ग्राम पंचायत टांडा बरूड़ के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था टांडा बरूड़ में शासन की योजना अनुसार गरीब और विधवा महिलाओं के राशन कार्डों पर अनाज की पर्ची का वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम चरण में 1100 लोगों को ऑनलाइन पंजीयन किया गया, जिसके तहत आज प्रथम 5 महिलाओं को अनाज पर्ची का वितरण किया गया। साथ ही इन्हें अनाज देकर अनुग्रहित कर प्रतिमाह राशन भी लेने को कहा गया। राशन लेने के बाद जहाँ हितग्राही प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे, वहीं ग्रामीणों में शासन के प्रति पंचायत सचिव द्वारा अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ना कि आप लोगों को पर्चियां आप लोगों ने वितरित की, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत जो पात्र परिवार छूटे हुए थे, जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, शासन ने एक नियम बनाया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और उसके अंतर्गत ऐसे पात्र छूटे हुए परिवारों को अन्न दिलाना है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत ने 5 लोगों को प्रथम दृष्टया 5 लोगों को अन्न दिलाया और पर्चियाँ प्रदाय की। शेष 1100 परिवार के सदस्य ग्राम पंचायत में, जिनको ऐसे सदस्य जिनको अन्न नहीं मिलता, जो विवाह होकर आए हैं, कहीं जन्म हुआ है, या ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनको हटाया है, उन लोगों को भी जल्दी पर्ची अपडेशन करके उनको भी मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? राजू खान, सचिव ग्राम पंचायत। अनाज प्राप्त हुआ तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या मिला? हमको गेहूं मिले, चने मिले, नमक मिला, चावल मिले। आप खुश हो? बिल्कुल सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।